सुशांत ने अंकिता लोखंडे से जाहिर की थी अपने दिल की बात, जो कि जुड़ी हुई थी रिया चक्रवर्ती से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या और आपका स्वागत है हमारे चैनल वायरल करंट में। सुशांत के सुसाइड की इनसाइड स्टोरी क्या थी और उनकी आखिरी मूवी दिल बेचारा का रिव्यू वीडियो भी हमने डाला था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। दोस्तों, कहीं अंकिता ही तो नहीं है वो वजह जिसकी बातें सुनने के बाद सुशांत के पापा ने किया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने कथित तौर पर बिहार पुलिस को सूचित किया था कि दिवंगत अभिनेता काफी दुखी थे क्योंकि रिया चक्रवर्ती उन्हें काफी परेशान करती थी। News18.com की रिपोर्ट के अनुसार अंकिता ने यह दावा पटना में रह रहे सुशांत के परिवार से मिलने के दौरान किया था। वेबसाइट के अनुसार अंकिता ने पुलिस को बताया कि साल 2019 में उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के रिलीज होने के दौरान एक चैट के जरिए सुशांत ने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती द्वारा परेशान होने का जिक्र किया था। सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता लोखंडे से यह भी बताया था कि वो अपने और रिया के रिश्ते के साथ खुश नहीं हैं और वो इस रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि रिया उन्हें बहुत परेशान करती है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत के साथ अंकिता की जो चैट है उस समय पुलिस के साथ साझा भी की गई थी। सुशांत ने करीब 6 साल तक टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता की अपनी को स्टार अंकिता को डेट किया था, हालांकि बाद में वो अलग हो गए। जून में सुशांत के निधन के बाद अंकिता ने अभिनेता के परिवार से मुलाकात की थी। बाद में अपनी पटना यात्रा के दौरान अंकिता ने सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति को सुशांत के साथ हुई अपनी चैट भी दिखाई। इसके बाद मंगलवार को ये बात सामने आई कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में लेट एक्टर की प्रेमिका रिया समेत 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक FIR भी दर्ज कराया। वही बुधवार को अंकिता ने अपने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की थी। अभिनेत्री ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें लिखा है कि सत्य की जीत। उन्होंने ये पोस्ट अपने वेरीफाइड अकाउंट से किया था। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टाइम्स नाउ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रिया के खिलाफ अलग अलग धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। इसमें इंडियन पैनल कोड IPC के सेक्शन 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के अंतर्गत में FIR दर्ज की गई है। इसमें आत्महत्या के लिए उकसाना, गलत तरीके से रोकना, चारों तरफ से रोकना, घर से पैसे चुराना और धोखाधड़ी जैसे आरोप भी शामिल हैं। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर कई सवाल दागे हैं। सवाल कुछ इस प्रकार हैं। साल 2019 तक मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ? यदि उस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसका दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर्स रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया और कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। आखिर क्यों रिया ने मेरे बेटे के साथ सारे संबंध तोड़ दिए और उसे अकेले छोड़कर चली गई, सारे कागजात अपने साथ ले गई? क्यों सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से 15 करोड़ निकाल कर दूसरे खातों में डाला गया जिससे मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गईं? रिया से पूछताछ करेगी पटना पुलिस। इस मामले में अब पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है, लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि रिया अपने घर से फरार हैं।
तहकीकात के लिए जब बिहार पुलिस रिया के घर पहुंची तो पता चला कि रिया तो चंपत हो गई हैं। अजीब बात तो ये है कि जिस रिया के खिलाफ लगे हैं इतने संगीन आरोप, उसी रिया ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके होम मिनिस्टर अमित शाह जी से सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की भी मांग की थी। आपको बता दूं कि सुशांत के सुसाइड केस में एक बहुत ही चौंका देने वाला एंगल सामने आया है, जो कि सुशांत के बेस्ट फ्रेंड संदीप सिंह से जुड़ा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस करीब 40 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने अब तक सुशांत के करीबी दोस्तों में से एक संदीप सिंह का बयान नहीं लिया है। इस बात का खुलासा खुद संदीप ने किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सुशांत एक खुश मिजाज व्यक्ति थे और वो आत्महत्या नहीं कर सकते। न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए बुधवार रात संदीप ने बताया, मुंबई पुलिस ने अब तक औपचारिक रूप से मेरा बयान नहीं लिया है, हालांकि वो मेरे साथ विस्तार में बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस ने मुझे फ़ोन किया था और जो कुछ वो पूछ सकते थे वो सब पूछ लिया। उन्होंने मुझसे बात की है, वो मुझसे सभी जानकारी ले चुके हैं। सुशांत को एक खुश मिजाज इंसान बताते हुए संदीप ने दावा किया कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खुद के साथ वैसा करता जो उसके साथ हुआ है। वो एक खुश मिजाज शख्स था, वो हमेशा फिल्मों और सपनों के बारे में बात करता रहता था। संदीप के बयान के बाद इस मामले में बिना एफआईआर के जांच कर रही मुंबई पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सुशांत सुसाइड को मर्डर बताते हुए 26 रीजन भी बता दिए हैं। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया जिसमें 26 बिंदुओं पर बात की गई है। उनका दावा है कि इनमें से मात्र 2 आत्महत्या की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सभी 24 बिंदुओं का इशारा हत्या की थ्योरी की ओर है। दोस्तों, ये थे सुशांत सुसाइड से जुड़े कुछ नए तमाम पहलू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।